आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजो नारायण। बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। बाढ़ चली गई है लेकिन कहर अब भी जारी है। कानपुर देहात में तेज बारिश और बाढ़ के चलते जहां सैकड़ों गांव जलमग्न हो चुके थे, वहीं अब नदियों का घटता जलस्तर भी सैकड़ों परिवारों के लिए बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ रहा है। जलस्तर घटने से पानी तो जमीन को छोड़ चुका है, लेकिन बाढ़ से आए कीचड़ और तमाम तरह की बीमारियों ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। पहले तो लोग बड़े जल स्तर से त्राही माम कर रहे थे, वहीं अब पानी तो घटता जा रहा है, लेकिन बाढ़ के पानी के साथ आए कीचड़ और तमाम बीमारियों को घर घर तक पहुंचा दिया है। देखिए रिपोर्ट। कानपुर देहात से होकर गुजरने वाली यमुना नदी का जलस्तर भले ही खतरे के निशान से नीचे आ गया हो, लेकिन यमुना से लगे हुए करीब 3 दर्जन गांवों की हालत बद से बदतर हो गई है। हालात ये हैं कि लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। तस्वीरें ऐसी हैं कि जिन्हें देखकर रूह कांप जाए। हर और तबाही का ऐसा मंजर है जिसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ अभी कोई इंसानी बस्ती भी हुआ करती थी। यमुना नदी में आई भीषण बाढ़ ने पहले तो लोगों को अपने कहर का शिकार बनाया और जाते जाते लोगों के सामने कई नई समस्या खड़ी कर दी। नदी के घटे जलस्तर से नदी के पास के करीब के गांवों में बहुत सी समस्याओं को जन्म दे दिया है। किसी के घर में रेंगने वाले जीव जंतु का डेरा बन गया है, तो कहीं अच्छे खासे मकान मलबे में दब गए हैं। लोग दाने दाने को मोहताज हैं। अब गांव वाले किसी चमत्कार की उम्मीद में आस लगाए बैठे हैं कि शायद उनके घर की और गांव की तस्वीर फिर से एक बार पहले जैसी हो जाए। आपने बाढ़ ग्रसित इलाकों में नेताओं और अधिकारियों का ताता लगते तो बहुत देखा होगा, लेकिन लोग आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं। ऐसा ही कानपुर देहात में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ भी तमाम नेता अधिकारी मुआयना करने तो गए और ग्रामीणों को बड़े बड़े आश्वासन भी दिए, लेकिन आश्वासन महज आश्वासन ही बन कर रह गया। लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, संक्रमण अपने चरम पर है, जानवर मर रहे हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, कीचड़ इतनी है कि जमीन पर पैर रखना भी दूभर हो गया है। जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां चला करती थी, आज वो सड़कें कई फीट गहरे कीचड़ में दबी हुई नजर आती हैं। मकान टूट गए हैं, लोग खस्ता हाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बैठने और लेटने के लिए तो कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची है। फिर भी अधिकारी लगातार स्थिति के नियंत्रण में होने की बात कह रहे हैं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम ने जब उन गांवों का निरीक्षण किया और हकीकत जानी चाही, तो अधिकारियों की जुबानी बताई गई कहानी सिर्फ कहानी ही लगी। अब हमसे अब जब यमुना से आ गई तब हमारे खाना सब खाना देते रहे, तो फिर अब जो खाना कैसा बंद हो गया, खाने की व्यवस्था नहीं हो रही क्या आपकी? अरे या अब पानी कम हो गया गांव में? कम हो गया पानी, थोड़ी तुम्हारी खाना बना तो जो पा बन गएगा। यहाँ पर जो है ये मान के लिए टोटल फसलें नष्ट हो गई हैं। भुखमरी कगार पे किसान है, और जैसे फसलों में उड़द है, तिली है, मूंग है, अरहर है, ज्वार है, बाजरा है, ये सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। कितनी फसल, कितने बीघे फसल नष्ट हुई होगी? लगभग कम से कम यहाँ पर 400 या 500 के बीच समथिंग में जो है नष्ट हो चुकी है। ये तस्वीरें हैं कानपुर देहात के महादेवा गांव की, साथ ही इस गांव से लगे हुए एक अन्य गांव की भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं। दूसरी तस्वीर यमुना से सटे हुए कयोटा बंगार गांव की है। हमने जब बमुश्किल गांव में पहुंचने के बाद लोगों से उनके हालात जानने चाहे, तो लोगों के दिलों का गुबार कैमरे के सामने फूट पड़ा। और किसी के पास खाने की दिक्कत है तो किसी के पास रहने की, किसी की कई जमीन बर्बाद हो गई तो किसी की फसलें नष्ट हो गई, कोई भुखमरी की कगार पर है, कोई भुखमरी की मार झेल रहा है। जब हमने लोगों से अधिकारियों के आने और सरकारी सुविधाओं के उपलब्ध कराने की बात पूछी, तो जो सुनने में आया वो बेहद ही दर्दनाक था। लोगों को सुविधा तो नहीं मिली, कुछ मिला है तो बस आश्वासन, और लोग बस सुविधाओं के आश्वासन पर ही जिंदगी गुजार
बसर करने को मजबूर हैं। बीमारियों ने हर घर में डेरा डाल रखा है और ऐसे लोगों का हाल पूछने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जिस जमीन पर कभी हल चला करते थे और फसलें लहराती थी, आज वो खेत ही बंजर हैं। गांव के जिस आंगन में लोग अपने बच्चों को खेलने के लिए भेजते थे, वहां रेंगने वाले जीवों का डर सताने लगा है। हर घर में कोई न कोई बीमार है और देखने वाला कोई नहीं है। यमुना नदी से लगे हुए कानपुर देहात की दो तहसीलें भोगनीपुर और सिकंदरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों तहसीलों से मिलाकर करीब 25 गांव ऐसे थे जो बाढ़ से प्रभावित हो गए थे। इन सभी गांवों में लमसम समस्याएं एक सी ही बनी हुई हैं। बाढ़ आई जैसे गांव में क्या कंडीशन रही है? ऐसी कंडीशन रही है कि हर बात में तकलीफ रही। ये जमुना नदी में और उसकी सहायक नदी सेंगू नदी में जल स्तर 5 फीट लेवल के स्तर तक पहुंच गया था, 112 मीटर तक पहुंच गया था और वो घटते घटते डेंजर लेवल जो हमारा 108 मीटर है उससे भी नीचे 106 मीटर पे आ गया है, मैंने काफ़ी नीचे हो गया है। पानी का जल स्तर एकदम नीचे पहुंच गया है। उससे जो यहाँ पर हमारे गांव के कुछ हमारे जो घर के गांव के पूर्वे या उनके घर जल से प्रभावित हुए थे या महरूम हो गए थे या उनके घरों में पानी घुस गया तो सब उतर गया है, तो अब काफ़ी वहाँ पर आवागमन सुचारू हो गया है। नावों को जो लगाया गया था उनकी संख्या हमारी कम कर दी गई, जहाँ जहाँ पानी अभी भी है वहाँ हमारी नाएँ भी चल रही हैं और जहाँ पर पानी उतर गया वहाँ पर दो समस्याएं हैं, सफाई का और वो वहाँ के लोगों को पशुओं को दवा देने जाने के प्रबंध की व्यवस्था। तो सफाई के लिए हमारे जिला पंचायत अधिकारी को इस काम में लगा दिया गया है। भोगनीपुर तहसील के जो हमारे गांव और पूर्वे कुल मिलाकर 25 प्रभावित हुए थे, छोटे बड़े किसी गांव में पांच घर, किसी गांव में 50 घर, किसी गांव में 20 घर, ऐसे करके जनसंख्या का अनुरूप प्रभावित हुए। तो हम लोगों ने उसी अनुरूप टीमों का गठन कर दिया है, हमारे सफाई कर्मी लगा दिए गए हैं, अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई। वो सफाई से कीचड़ आ गया है, नालियों में भरा हो गया, पानी नहीं निकल रहा है तो नालियों की सफाई कराया जा रहा है, कीचड़ जो सड़कों पर गलियों में आ गए उनकी सफाई कराई जा रही है। अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो लोग हैं जिन्हें ये सुविधाएं ऐसी मुसीबत के समय में दी जानी थी, लेकिन सुविधा अधिकारियों के ऐसे कमरों में ही बंद होकर रह गई। सरकारी योजनाएं सरकार के गलियारों से निकलती तो हैं, लेकिन जरूरतमंदों तक पहुंचते पहुंचते अधिकारियों की चौखट पर दम तोड़ देती हैं। अब देखने वाली बात यह है कि बाढ़ से बर्बाद हुए जिन लोगों को बदहाली की जिंदगी जीनी पड़ रही है, उनकी तस्वीर कब, कैसे और कौन बदलेगा? सवाल अधिकारियों पर है और जवाब देने वाला कोई भी नहीं है। योजनाएं कागजों पर घर घर और गांव गांव पहुंचती हुई दिखाई तो दे रही हैं, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत का कोई पता नहीं चल पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नजर आ रही है मथुरा में एक बार फिर लूट की बड़ी वारदात घटी है, जहां मथुरा के एक बुलियन कारोबारी ने 1.5 करोड़ रुपए की लूट का मामला सामने आया। वहीं दिन दहाड़े हुई इस लूट की वारदात से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि लुटेरों ने इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब बुलियन कारोबारी अंकित अग्रवाल स्कूटी से बैंक जा रहे थे। इस दौरान 4 अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने मथुरा के थाना कोतवाली इलाके में ड्रैम्पियर कॉलोनी के पास इस घटना को अंजाम दे दिया। वहीं मथुरा में पुलिस चौकी से कुछ मीटर की दूरी पर घटी यह घटना पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही है। इस घटना से साफ जाहिर होता है कि बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। वह व्यापारी से हुई इस लूट से व्यापारी समाज में भी खासा गुस्सा आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि लूटी की बड़ी रकम थी तो सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। एसएसपी गौरव ग्रोवर समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पुलिस को लूट का जल्द से जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही घटना के खुलासे के लिए कई टीमों का गठन भी कर दिया गया है, जिससे जल्द से जल्द घटना का खुलासा किया जा सके।
बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। स्कूटी पर था मैं, बैंक जा रहा था, इसमें मेन ब्रांच बाग बहादुर सामने गली के सामने, बाग बहादुर चौकी के सामने सामने गली है, गली में अंदर से चार बदमाश थे सर, दो मोटरसाइकिलों पे तवंजा लगा के सर गली लेके चले गए। कितना कैश था उसमें? सर बुलियन का काम था, 1.5 करोड़। अच्छा, क्या उनको आप पहले से कहीं जानते थे या कुछ को? नहीं, कभी नहीं देखा कुछ। तवंजा था सर, तवंजा। किस तरह से घटना को अंजाम कैसे दिया उन्होंने? क्या पहले मेरी स्कूटी में लात मारी थी, स्कूटी गिराई थी, फिर मेरे पास तमंचा लगाया था, फिर वो दोनों थैले आगे मेरे स्कूटी पे रखे हुए थे, ले गए। थाना कोतवाली क्षेत्र में सुबह 10:30 के आसपास एक अंकित अग्रवाल नामक व्यक्ति, जो कि अपने दीदी के यहाँ जो रिश्तेदार हैं, वो जो बुलियन का काम करते हैं, वहाँ से कैश लेकर के बैंक में जमा करने जा रहे थे। पीछे बाग बहादुर चौकी क्षेत्र में जो मेन रोड है, वहाँ पर इनके मुताबिक वहाँ पर जाम होने के कारण इन्होंने गली के अंदर से जाना उचित समझा। गली के अंदर से जब ये मुड़ रहे थे, इनका कहना है कि पीछे से चार लड़के आए हैं दो बाइक के ऊपर, इनको धक्का देकर के गिरा दिया है, और इनके पास जो कैश का बैग था उसको वो लूट करके ले गए हैं। इनके मुताबिक उसमें जो इनके द्वारा दुकान से लिया गया कैश था, वो 1.5 करोड़ की नकदी बताई जा रही है। हमारे सभी ऑफिसर्स ने मौके पर यहाँ मुआयना कर लिया है, सभी टीम जो हैं इसमें लगाई गई हैं, CCTV कैमरास को खंगाला जा रहा है, इनसे भी और गहनता से पूछताछ की जा रही है। जो भी आगे आने वाले एविडेंसेज आएंगे और जो मौके की जो हमारे द्वारा साक्षी इकट्ठे किए जाएंगे, और जल्द इस घटना को। कितनी रकम थी सर? इनके द्वारा जो बताया गया है 1.5 करोड़ रुपए की रकम उस बैग में बताई गई। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी सुरेश सैनी मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। सुरेश, क्या ये पूरा मामला है? पुलिस की कार्यशैली आखिर क्यों इतनी लचर होती हुई नजर आ रही है? पुलिस की नाक के नीचे 1 करोड़ की लूट हो जाती है और पुलिस को पता नहीं चलता। जी बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए तो ये पुलिस की बड़ी नाकामी साबित हो रही है कि पुलिस चौकी के सामने दस उस कदम की दूरी पर ही 1 करोड़ की लूट हो जाती है और पुलिस को पता नहीं चलता। और उसके बावजूद जिस चौराहे पर वो स्टेट बैंक है, जहाँ पर वो पैसा जमा करने जा रहे थे, वहाँ भी पुलिस 24 घंटे तैनात रहती है, लेकिन फिर भी चार बदमाश 1 करोड़ की लूट को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। मथुरा का व्यस्ततम चौराहा, जिसको स्टेट बैंक बोलते हैं, बड़ी जो जिले की ब्रांच है, वहां पे जहाँ पे रोजाना लोग करोड़ों का रुपया जमा करने आते हैं, निकालने आते हैं, और उस चौराहे के पास पुलिस चौकी के सामने एक इस तरह की 1.5 करोड़ रुपए की लूट एक बड़ी घटना जो है मथुरा के पुलिस के लिए एक बड़ी चेतावनी है। और जिस तरह से जो जगह है वो भी बड़ी पौच इलाका है, वहाँ पे सभी लोगों के घर हैं, मकान हैं, लोगों के ऑफिस हैं, और दिन दहाड़े 1.5 करोड़ रुपए के बुलियन व्यापारी से लूट हो जाती है। इस तरह वो अपने घर से स्कूटी पे सवार होकर के और 1.5 करोड़ रुपए बैंक में जमा करने जा रहा था, क्योंकि चौराहे पे उस समय जाम लगा हुआ था, तो उसने पुलिस चौकी के बराबर से एक साइड की रास्ते से निकल कर चौकी पे। सुरेश, लेकिन जिस तरह से पुलिस अपनी पीठ थपथपाती है और अगर किसी बदमाश को पकड़ ले तो फिर उसके चर्चे चारों तरफ हो जाते हैं, ऐसे में पुलिस की नाक के नीचे इतनी बड़ी लूट की घटना को अंजाम दे दिया जाता है, बदमाश आते हैं, व्यापारी से लूट करते हैं और फरार हो जाते हैं, क्या कोई अपडेट है? पुलिस का क्या कहना है? कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाएगी? पुलिस ने जिस तरह से जैसे घटना की सूचना पुलिस को लगी तो SSP स्वयं मौके पर पहुंचे, SPCT वहां पहुंचे, और स्क्वाड टीम जो क्राइम ब्रांच है वो भी मौके पर पहुंची। हालांकि डॉग स्क्वाड को लेकर के आसपास के इलाके को सर्च किया गया, जो आसपास में CCTV लगे उनको तलाशा जा रहा है कि कहीं पुलिस जो बदमाश है उनका कोई सुराग लगे, लेकिन अभी तक जिस तरह से जो जानकारी पुलिस के द्वारा दी गई है, कहीं भी कोई पुख्ता जानकारी या पुख्ता सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है कि जिससे बदमाश जो लुटे रहे हैं वो कहीं गिरफ्त में आ सके। हालांकि SSP ने कई टीमें गठित कर दी है और जल्द से जल्द इस घटना का उजागर करने के लिए उसने निर्देश दिए। बिल्कुल सुरेश, ये भी जानकारी मिल रही है कि जो व्यापारी संगठन है उनमें भी खासा गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है, और हो भी क्यों ना, लगातार व्यापारियों के प्रति जो बदमाश हैं वो मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार उनके साथ लूटपाट की घटनाएं घट रही हैं, लेकिन बदमाश खुलेआम घूमते हैं। भले ही योगी जी क्राइम कंट्रोल करने की बात कहते हो या मथुरा पुलिस कहती हो कि हाँ बदमाशों में पुलिस का खौफ है, लेकिन इस तरह की घटना जो सामने आती है उससे यही जाहिर होता है कि बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। भले एनकाउंटर करके ये लोग अपनी पीठ थपथपा लें, लेकिन उसके बावजूद भी जो बदमाश है जो लुटे हैं उनके हौसले किस कदर
बेखौफ है, इस घटना से सामने दिखा जा सकता है। जो व्यापारी है उनमें आज भय का माहौल है, क्योंकि व्यापारी अगर इस तरह से सरेआम दिन दहाड़े लूट की घटनाओं का शिकार होगा तो वो कैसे अपना व्यापार चला सकेगा, कैसे अपना पैसे का लेन देन कर पाएगा, कैसे अपने महंगे महंगे जो ज्वेलरी या जो होता है वो सामान कैसे सरेआम लेके जा सकता है। बिल्कुल, और सुरेश से कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बदमाशों का आतंक है और पुलिस असफल है, क्योंकि यहाँ गनीमत रही कि बदमाशों ने व्यापारी को हताहत नहीं किया, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, बहुत बड़ी घटना ही बन सकती थी। जी बिल्कुल, ये घटना एक बड़ी हो सकती थी, और चूंकि मथुरा में पहले भी ज्वेलर्सों के साथ कई बार ऐसी घटनाएं हुई है, आपको याद होगा कुछ साल पहले सरेआम एक ज्वेलर्स की दुकान में बदमाशों ने लूटपाट की और दो ज्वेलर्स को सरेआम गोलियां मार दी। क्योंकि यहाँ भी अगर ऐसी घटना हो सकती थी, अगर वो जो पीड़ित अंकित अगर गोयल जो अगर उनसे ज्यादा अगर जिस तरह से छीना झपटी करते या उनसे ज्यादा अगर अपने आप को लड़ाई करते तो हो सकता था कि वो गोली मार जाते, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने तमंचा दिखा करके व्यापारी को डराया और फिर बैग छीना और उसके बाद फरार हो गए, तो इससे ये लगता था क्योंकि जिस तरह से उनके पास वेपन्स आते हैं तो वो गोली मारने से व्यापारी नहीं चूकते। बिल्कुल सुरेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मथुरा में बदमाशों का आतंक जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 1 करोड़ की लूट यहां बदमाशों ने की है। हथियारबंद बदमाश आते हैं, स्कूटी पर सवार व्यापारी को डराते हैं, धमकाते हैं और फिर 1 करोड़ की रकम लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस के नाक के नीचे सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ और सिर्फ अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है। तो बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और बदमाशों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी कि कल, जहां हर कोई गौरवान्वित महसूस कर रहा था, हर कोई ध्वजारोहण कर देश के सम्मान में राष्ट्रगान गा रहा था, वही मुरादाबाद से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करने पहुंचे सांसद ने ध्वजारोहण किया और फिर राष्ट्रगान गाना शुरू किया, पर उसके बाद जो कुछ हुआ उसने समाजवादी नेताओं पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके लिए ये खास रिपोर्ट देखिए। अपने भाषणों से चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी से मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन स्वतंत्रता दिवस पर गर्ल्स शहीद पार्क में ध्वजारोहण करने पहुंचे थे, जहां ध्वजारोहण करने के बाद राष्ट्रगान गाया गया, पर थोड़ा सा राष्ट्रगान गाने के बाद ही सांसद जी राष्ट्रगान भूल गए। सांसद ही नहीं, वहां मौजूद सपा जिलाध्यक्ष डीपी यादव, महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू सहित वहां मौजूद किसी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को राष्ट्रगान याद ही नहीं था, लिहाजा सब इधर उधर झांकने लगे और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर भी जब बात नहीं बनी तो सब किसी तरह उल्टा सीधा राष्ट्रगान गाकर समाप्त कर वहां से दबे पांव निकल गए। आप भी देखिए और सुनिए। सोचने वाली बात है कि खुद को समाजवादी बोलने वाले नेताओं को ये तक नहीं पता कि हमारा राष्ट्रगान कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है, जिस राष्ट्रगान का पूरे भारत में एक छोटा बच्चा भी सम्मान करता है और उसे राष्ट्रगान के एक एक शब्द याद हैं, लेकिन सालों से देश की बात करने वाले, समाज की बात करने वाले, देश की बात करने वाले, खुद को राष्ट्रवादी बताने वाले समाजवादियों को राष्ट्रगान का ना तो सम्मान करना आता है और ना ही तो राष्ट्रगान के बोल आते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता इकट्ठे हुए और इसमें सांसद एसटी हसन, जो कि लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं, वो यहाँ ध्वजारोहण कर रहे थे।
ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान गाना भी लाजमी था, क्योंकि राष्ट्रगान गाकर ही आप देश को और ज्यादा गौरवान्वित करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। दरअसल समाजवादी नेताओं को राष्ट्रगान के बोल तक नहीं पता कि राष्ट्रगान में शब्द कौन कौन से हैं। तो ये अब पूरा मुद्दा गरमाया हुआ है। देखिए, अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में एक बड़े विपक्ष के रूप में ये उभरती हुई नजर आ रही है। लेकिन समाज की बात ये करते हैं, देश की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, लेकिन इस देश में एक छोटा अगर आप बच्चा जाएंगे उससे पूछेंगे कि आप राष्ट्रगान सुनाइए, वो मासूम बच्चा आपको पूरा राष्ट्रगान सुना देगा। लेकिन इतनी उम्र के बाद भी हमारे समाजवादी नेताओं को राष्ट्रगान याद तक नहीं है। कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है, एसटी हसन साहब ये भी भूल गए और आसपास खड़े नेता भी भूल गए। खुशी बहुत थी कि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, लेकिन ऐसे में सम्मान देना जरूरी होता है, लेकिन यहां तो तिरस्कार कर दिया गया है। राष्ट्रगान तक इन समाजवादी नेताओं को नहीं आता, ये बहुत बड़ा सवाल है और सोचने की बात है कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर नेताओं की जुगलबंदी तो बहुत होती है लेकिन नेता जो हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। नेता बनना है लेकिन राष्ट्रगान इन्हें नहीं आता है, जो कि एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे को भी आता होगा और हर कोई सबसे पहले स्कूल में जाकर यही सीखता है। तो इसमें यह जरूर कहा जा सकता है कि कोई संदेह नहीं है कि एसटी हसन साहब शायद स्कूल कभी गए ही नहीं होंगे, इसीलिए उन्हें राष्ट्रगान नहीं आता है। और आसपास जितने नेता इन तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं शायद वो भी स्कूल नहीं गए हैं, इसी वजह से उन्हें राष्ट्रगान का बोल नहीं पता है कि शब्द कहां से शुरू होते हैं और कहां खत्म होते हैं। तो उल्टा सीधा राष्ट्रगान गा दिया, जैसे तैसे यहां पर बातें खत्म कर दी गई। इसके बाद यहां से समाजवादी पार्टी की जो नेता हैं वो रफू चक्कर हो गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि किसी ने वीडियो बना लिया है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद खुलासा हुआ कि आखिर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो कितने समाज के हैं, कितने देश के हैं और कितना देश का सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन एसटी हसन जी को तो यही नहीं पता कि राष्ट्रगान शुरू कहां से होता है। चलिए, अब हमारे साथ सपा प्रवक्ता दीपक मिश्रा जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। दीपक मिश्रा जी, आपसे सबसे पहला सवाल यही करूंगी कि क्या आपको राष्ट्रगान पूरा आता है? महोदय, मैंने राष्ट्रगान और हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उन पर पूरी एक पुस्तक लिखी है। राष्ट्रगान को कब, कहां, कहां, कैसे भारतीय जनमानस में स्थापित किया गया है, इससे मेरे 7 लेख विभिन्न अखबारों में प्रकाशित हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, आचार्य नरेंद्र देव जो हम समाजवादी कुल के लोगों में जी चाहे वो जो भी हो, मतलब जो भी अपने को समाजवादी कहते हो और जिस दल में हो, उन सब के आदर्श माने जाते हैं। उन्होंने राष्ट्रीयता और समाजवाद पुस्तक लिखी है और उसमें बाकायदे ये कहा है कि किसी भी समाजवादी को, चाहे वो राजनीति में हो या न हो, समाजवादी सिर्फ पार्टी से समाजवादी नहीं होता। समाजवादी एक सोच है, समाजवादी एक डॉक्ट्रिन है, समाजवादी एक आइडियोलॉजी है। अरे दीपक जी, ये कौन सी सोच है जहां आपके सांसद एसटी हसन साहब की मैं बात कर रही हूं, जिन्हें राष्ट्रगान के बोल नहीं पता है, आसपास जो भी नेता खड़े उन्हें बोल नहीं पता है, ये आपकी समाजवादी सोच है? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि किसी पार्टी का होने से नाते कोई समाजवादी हो ये कोई जरूरी नहीं। दूसरी बात, अगर एसटी हसन जी को राष्ट्रगान नहीं आता है तो फिर सोचना चाहिए कि संसद में किस तरह के लोग चुन के जा रहे हैं। राष्ट्रगान तो हमारा जीवन का मतलब कहते हैं कि वो महत्वपूर्ण नारा है जिसे लेके आजादी की लड़ाई लड़ी गई। आप बहुत साफ बच रहे हैं दीपक मिश्रा जी, आप सवालों से बहुत साफ बच रहे हैं। नहीं, मैं बच नहीं रहा हूँ, इसमें बचने वाली कोई बात नहीं है। आप ये बताएं, जिसे राष्ट्र से सरोकार होगा वह कम से कम राष्ट्रीय नायकों का जीवन दर्शन तो जानेगा, राष्ट्रीय परचम, राष्ट्रीय गीत, इनसे अवगत तो होगा। वो संसद के सर्वोच्च वो संसद में बैठ रहा है जो देश की सर्वोच्च पंचायत है। तो जब मूलभूत जानकारियां ही नहीं होंगी तो देश या राष्ट्र के सवालों पर वो लड़ेगा। तो आप ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी में ऐसे नेता हैं जिन्हें राष्ट्र के बारे में पता ही नहीं है, राष्ट्रगीत क्या है, राष्ट्रगान क्या है, उन्हें पता ही नहीं है। अब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम मान्यवर,
आप जिस विषय पे डिबेट कर रही हैं वो विषय ही तो यही है। हाँ, एक कहावत है कि हाथ कंगन आरसी क्या। तो जब जो जो चीज सर्वत्र हो चुकी है, सोशल मीडिया पे आ रहा है, आप जिस पे डिबेट कर रहे हैं, यह दुखद है। सांसद जी को ठीक से राष्ट्रगान मालूम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रगान तो हमारे तालीम का एक हिस्सा है, और मुसलमान होने के नाते तो उन्हें और ज्यादा मालूम होना चाहिए। देखिए, यहाँ पहली बार जो राष्ट्रगान का गायन हुआ था वह कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। रविनाथ टैगोर जी ने जिसे रेखांकित किया था, है ना, और उसका जो अध्यक्षता कर रहे थे, ये गुलाम भारत के दौरान की मतलब इतिहास है, वो तो मुसलमान ही कर रहे थे। लेकिन तो समाजवादी जो लोग हैं वो कैसे बच्चों के लिए प्रेरणा बनेंगे? एसटी हसन साहब जी राष्ट्रगान गा नहीं पा रहे हैं, आप सीधा सफाई दे रहे हैं, आप तो सिर्फ और सिर्फ बचते हुए नजर आ रहे हैं। आपने तो सीधा एसटी हसन को कह दिया कि ऐसे कौन से नेता हैं, वो संसद में कैसे खड़े होंगे। समाजवादी नायक इस देश के प्रेरणा हैं। हाँ, कैसे प्रेरणा बनेंगे हिंदुस्तान? अब सुनिए बात तो, दीपक जी आप मेरी बात सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए, कैसे प्रेरणा बनेंगे जब आपके जो सांसद हैं, देखिए अगर कोई कार्यकर्ता होता तो मैं मान भी लेती, सांसद हैं, एक बड़े क्षेत्रफल को वो प्रदर्शित करते हैं, वहां पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्या बच्चे सीखेंगे इस वीडियो के बाद? हास्यास्पद हुई ये चीज, हास्यास्पद है, आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल हास्यास्पद है, ये चीज रुद्धात्मक है। और दूसरे सबसे बड़ी बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी तो देश के प्रेरणा रहे ही रहे हैं। भगत सिंह जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया था चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में, वो प्रेरणा नहीं है क्या देश के? सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन में कहा था कि मैं इस देश के में अमन समाजवाद की बयार चाहता हूं, क्या प्रेरणा नहीं है देश के? 1942 के नायक, चलिए ठीक है दीपक जी, ये साफ हो गया है, ये साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रगान नहीं आता है। आप खुद न्यूज वन इंडिया पर इसे कबूल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हास्यास्पद है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पूरा मामला था समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का, जो राष्ट्रगान नहीं गा पा रहे थे। अभी हमारे साथ जुड़े थे सपा के प्रवक्ता, सपा के नेता दीपक मिश्रा जी, जिन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि समाजवादी पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रगान नहीं आता, ये वाकई हास्यास्पद है, यानी खुद से ही वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।